अरविंद केजरीवाल केंद्र सरकार से ठीक उसी अंदाज में झगड़ते हैं जैसे गली मोहल्ले की औरतें आपस में झगड़ा करती हैं। हकीकत ये है कि केजरीवाल के ड्रामे से दिल्ली की जनता तो परेशान है ही, अब तो सुप्रीम कोर्ट भी परेशान हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने खींच कर कहा कि रोज रोज हमें दिल्ली सरकार का केस ही सुनना पड़ता है। असल में मुकदमेबाजी के शौकीन केजरीवाल का एक नया सियासी पैंतरा ये भी है कि हर बात को लेकर या तो हाईकोर्ट जाओ या फिर सुप्रीम कोर्ट। याद नहीं आता कि किसी भी मामले में केजरीवाल सरकार को सफलता नहीं मिली हो, लेकिन मुकदमेबाजी की लत लगी है तो छूट नहीं रही। दिल्ली सरकार और केंद्र के बीच के लफड़ों से सुप्रीम कोर्ट के जज भी उकता गए हैं। तभी तो सर्वोच्च न्यायालय की एक पीठ ने आज कहा कि हर दिन उसे दिल्ली सरकार का केस ही सुनना पड़ता है। उसने दिल्ली सरकार के वकील अभिषेक मनु सिंघवी से पूरे मामले को छोड़ देने का निर्देश किया। मामला राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार संशोधन अधिनियम 2021 और कार्य संचालन नियम से जुड़ा है। दिल्ली सरकार ने इस नियम के कुछ प्रावधानों को चुनौती देने वाली याचिका पर तत्काल सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट से फिर अनुरोध किया। ये कानून और प्रावधान दिल्ली के उपराज्यपाल को कथित तौर पर अधिक शक्ति देते हैं। इससे पहले दिल्ली सरकार ने इस याचिका का तत्काल सुनवाई के लिए 13 सितंबर को उल्लेख किया था और शीर्ष अदालत इसे सूचीबद्ध करने के लिए सहमत हो गई थी। दिल्ली सरकार की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता एएम सिंघवी ने प्रधान न्यायाधीश एनवी रमन, न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति हेमा कोहली की पीठ से आग्रह किया कि सुनवाई के लिए याचिका सूचीबद्ध की जाए। इस पर सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा कि एक दिन पहले एक वकील ने दिल्ली केंद्र मामले का जिक्र किया। हर रोज हमें दिल्ली सरकार का ही मामला सुनना पड़ता है, हम इसे सूचीबद्ध करेंगे। श्रीमान सिंघवी इसे यहीं छोड़ दें, हम इसे उचित पीठ के समक्ष रखेंगे। सिंघवी ने उनके द्वारा तत्काल सुनवाई के लिए उठाए गए मामले और वरिष्ठ अधिवक्ता राहुल मेहरा द्वारा मंगलवार को उठाए गए मामले के बीच अंतर स्पष्ट करना चाहा। सिंघवी ने कहा कि वह एक रिट पिटीशन को सूचीबद्ध करने का अनुरोध कर रहे हैं जो अनुच्छेद 239A संविधान के तहत दिल्ली की स्थिति से संबंधित है। दिल्ली सरकार ने उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के माध्यम से अपनी याचिका में GNCTD अधिनियम की 4 संशोधित धाराओं और 13 नियमों को विभिन्न धाराओं पर रद्द करने का अनुरोध किया है, जैसे कि बुनियादी ढांचे के सिद्धांत का उल्लंघन, सत्ता का पृथक्करण, क्योंकि उपराज्यपाल को ज्यादा अधिकार दिए गए हैं। GNCTD संशोधन अधिनियम 2021 क्रमशः 22 मार्च और 24 मार्च को लोकसभा और राज्यसभा द्वारा पारित किए जाने के बाद लागू हुआ है। संशोधित अधिनियम के अनुसार केंद्र शासित प्रदेश की विधानसभा द्वारा बनाए जाने वाले किसी भी कानून में संदर्भित अभिव्यक्ति दिल्ली सरकार का अर्थ उपराज्यपाल होगा। रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।